सो हाय गाइस, यार आज जैसे मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि अब हम रेट लिमिटर को डिज़ाइन करेंगे। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, स्पेशली फॉर बिगिनर्स जो पहली बार सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू दे रहे हैं, लाइक जो फ्रेशर्स हैं, ठीक है। तो उन्हें ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है, ये मुझसे भी पूछा गया था, डिज़ाइन रेट लिमिटर। सबसे पहले तो यार रेट लिमिटर डिज़ाइन करने से पहले देखते हैं कि ये है क्या, व्हाट इज़ इट, ठीक है। तो यार नेटवर्क सिस्टम में अगर बात करें तो रेट लिमिटर का मतलब इट इज़ समथिंग दैट इज़ यूज टू कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रैफिक, ठीक है, सेंट बाय क्लाइंट ऑफ सर्विस। मतलब क्लाइंट ऑफ सर्विस जितने भी हमें ट्रैफिक भेज रहे हैं ना, उस पर कंट्रोल लगाने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए रेट लिमिटर यूज़ करते हैं, ठीक है। और HTTP वर्ल्ड में, मतलब HTTP वर्ल्ड में रेट लिमिटर का काम क्या है, जितने भी क्लाइंट के रिक्वेस्ट आते हैं APIs के थ्रू, ठीक है, उसको लिमिट करने में काम आता है। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, लिमिट, लिमिटर। तो जितने भी रिक्वेस्ट आते हैं ना क्लाइंट की तरफ से, ठीक है, जो API वो यूज़र के रिक्वेस्ट भेजते हैं हमें, उस पर लिमिट लगाने के लिए काम आता है, ठीक है, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि अगर API रिक्वेस्ट अकाउंट इज़ ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू जो सेट करके रखता है, जो आपने सेट करके रखा है अपने रेट लिमिटर में, उससे ज़्यादा हो गया अगर API रिक्वेस्ट अकाउंट, तो एक्सेस कॉल्स ब्लॉक कर देंगे अपन, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी सर्विस कुछ ऐसी है कि आपने पर सेकंड दो पोस्ट से ज़्यादा, नो मोर देन टू पोस्ट पर सेकंड, मतलब पर सेकंड दो पोस्ट से ज़्यादा नहीं कर सकता कोई यूज़र, ठीक है, ऑब्वियस बात है, पर सेकंड दो पोस्ट से ज़्यादा नहीं कर सकता यूज़र, मतलब जेन्युइन है ये। आपने ये रेट, मान लो आपने ये रेट लिमिट लगा रखा है, और आप क्या लगा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने, आपकी कोई ऐसी सर्विस है, ट्विटर नाम की सर्विस है या फिर कोई भी तरह की सर्विस है जिसमें यूज़र्स अपने अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो पर डे एक पर्टिकुलर यूज़र के द्वारा 10 अकाउंट से ज़्यादा आप उनको क्रिएट नहीं करने दोगे, ठीक है, विद अ गिवन IP एड्रेस। तो ये तरह, ये एग्जांपल्स है, आप किसी भी तरह का रेट लिमिटर लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने दो पोस्ट का लगाया कि दो पोस्ट से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं पर सेकंड, फिर 10 अकाउंट का लगाया कि 10 अकाउंट से ज़्यादा अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम सेम IP एड्रेस पर डे। तो रेट लिमिटिंग का मतलब क्या हुआ, रेट लिमिटर का मतलब वही है कि वो लिमिट कर रहा है किसी चीज़ को, किसी चीज़ के रेट को वो लिमिट कर रहा है, ठीक है। तो बिफोर डिज़ाइनिंग रेट लिमिटर हम इस वीडियो में देखेंगे क्या बेनिफिट्स है, ठीक है, रेट लिमिटर के, क्योंकि मतलब काफ़ी कॉमन है, काफ़ी पॉपुलरली यूज्ड है, ऑलमोस्ट जितने भी सर्विसेज है ना वो यूज़ करते हैं रेट लिमिटिंग इन सम फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहला फ़ायदा क्या है यार, डॉस अटैक, डेनायल ऑफ सर्विस अटैक को प्रिवेंट करता है ये, ठीक है। हर कंपनी, ऑलमोस्ट हर कंपनी रेट लिमिटिंग लगाती है इन सम फॉर्म। एग्जाम्पल मान लेते हैं ट्विटर है, ट्विटर ने रेट लिमिटर लगा रखा है कि नंबर ऑफ ट्वीट जो है, ठीक है, पर आवर 300 ही हो सकते हैं, ठीक है, पर आवर नंबर ऑफ ट्वीट्स 300 हो सकते हैं बाय अ यूज़र, उससे ज़्यादा होगा तो वो ब्लॉक कर देगा फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और ब्लॉकिंग एक्सेस इंटेंशनल और अनइंटेंशनल रिक्वेस्ट होता है ना, मतलब बहुत लोग बॉट भी क्रिएट कर लेते हैं, राइट, जो मल्टीपल, जो थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड भेज रहे होते हैं ताकि आपकी सर्विस स्लो हो जाए, मतलब ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स, ठीक है। रिड्यूस कॉस्ट, तो हाँ सॉरी, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक से बचा रहा है हमें रेट लिमिटर। मान लो बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, उसको हम लिमिट कर रहे हैं, तो उससे फ़ायदा क्या है हमारा, ठीक है। अगर ऑब्वियसली हमने रेट रिक्वेस्ट को लिमिट कर दिया है तो हमें कम सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और हम बाकी के जो रिसोर्सेज हैं उसको हम हाई प्रायोरिटी APIs में लगा देंगे, जो इंपॉर्टेंट APIs है उसमें यूज़ कर लेंगे हमारे बचे हुए रिसोर्सेज को, ठीक है। तो ऑब्वियस आपका कॉस्ट बचेगा, ठीक है, और स्पेशली जब हम थर्ड पार्टी APIs यूज़ करते हैं ना, तो पैसे तो लगते ही हैं यार, आपको तो देने पड़ते हैं, तो पर कॉल उस API को, थर्ड पार्टी API को पर कॉल पैसे लगते हैं, आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। तो वैसे केस में रेट लिमिटर बहुत काम आता है, ठीक है, तो रिड्यूस कॉस्ट, आपकी कॉस्ट रिडक्शन हो रही है, ठीक है, खर्च कम हो रहा है आपका। और बहुत ही लाजमी सी बात है, प्रिवेंट सर्वर्स ओवरलोडिंग, ठीक है, एक्सेस रिक्वेस्ट, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं तो उसको हम फिल्टर आउट करते हैं थ्रेशोल्ड लगाकर, ठीक है। और जनरली एक्सेस रिक्वेस्ट जो आते हैं वो यूज़र्स के मिसबिहेवियर की वजह से होते हैं, या तो बॉट्स क्रिएट करते हैं बहुत लोग, जो मल्टीपल सर्वर्स, सॉरी मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजते हैं, है ना, सर्विस स्लो करने के लिए। तो यार ये फ़ायदे थे रेट लिमिटर के, और छोटा सा डेफिनेशन था कि रेट लिमिटर होता क्या है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिज़ाइन करेंगे प्रॉपरली रेट लिमिटर को, और मैंने जो बताया था हम इस सेम, इसको भी जैसे हमने न्यूज़ फीड सिस्टम डिज़ाइन किया था, इसको भी हम सेम तरीके से करेंगे, स्टेप 1 2 3 4, 4 स्टेप में तोड़ेंगे इसको और अपने इंटरव्यू को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।